तो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं अनिल मौर्य और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, जिनको टेक्निकल एनालिसिस करना है या चार्ट के बारे में स्टडी करना है। तो ये एक वेबसाइट है जो कि काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, जबकि आप पीसी या लैपटॉप पे एनालिसिस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। कई सारे वीडियो दिया है बेसिक्स ऑफ मार्केट से लेके टेक्निकल एनालिसिस या फिर फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी मार्केट, ऐसे कई सारे वीडियो दिया हुआ है। तो उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे चले जाइए और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले और आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने investing.com के ऊपर आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं या फिर investing.com के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, यानी आप टेक्निकल एनालिसिस आप जो है investing.com पे भी कर सकते हैं, यानी आप चार्ट स्टडी ये सारी चीजें वहां पे भी कर सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप जो है चैनल पे चली जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जैसा कि मैंने बताया, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है जहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, यानी चार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उस वेबसाइट के बारे में देखेंगे। तो उस पे उस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या पीसी पे क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर रहेगा वहां पे आपको ओपन करना है। तो यहां मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। अब यहां पे मैं ट्रेडिंग व्यू टाइप करूंगा, राइट। तो यहां पे देखिए, ट्रेडिंग व्यू टाइप करते ही ट्रेडिंग व्यू आ गया, क्योंकि मैंने कई बार सर्च किया है इसलिए ट्रेडिंग व्यू डायरेक्टली आ गया। अगर आपका डायरेक्टली नहीं आता है तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप यहां से जो उसका स्पेलिंग है ट्रेडिंग व्यू का, वो आपको टाइप कर लेना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स ट्रेडिंग व्यू आप टाइप करते हैं, यहां पे गूगल पे सर्च होके ये वेबसाइट आ जाता है tradingview.com, राइट। तो सबसे पहला वाला जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो वेबसाइट है ओपन हो जाता है। यहाँ पे कई सारे चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि आपको चार्ट देखना है, राइट। तो यहाँ से आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ट्रेड करना है तो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, या फिर मार्केट के बारे में जानना है, अलग अलग मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, करेंसी है, स्टॉक है, इंडाइसेस है, फ्यूचर है, बॉन्ड्स है, राइट। तो उनके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। उसका स्क्रीनर दिया हुआ है, स्टॉक स्क्रीनर, फॉरेक्स स्क्रीनर, क्रिप्टो स्क्रीनर, राइट। अलग अलग स्क्रीनर लगा सकते हैं। यहाँ से आप कम्युनिटी दिया है कुछ, यहाँ से कमेंट आप पढ़ सकते हैं, राइट। इस तरह से और भी कई सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये जो वेबसाइट है फ्रेंड्स, ये ग्लोबली चलता है, यानी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ग्लोबली चलता है, यानी बाहर की भी चीज़ें आती है, जैसे यहाँ पे बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी, या फिर अदर कंट्री के जो स्टॉक है टेस्ला जैसे, ये स्टॉक भी यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे आपको जो ये सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइन इन पे क्लिक करना है, राइट। अगर साइन इन या साइन अप अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो वहां पे आई थिंक साइन अप आएगा, तो आपको साइन अप कर लेना है आपके ईमेल आईडी के साथ। आपको एक यहां पे आईडी बना लेना है, राइट। तो आपका जो भी जीमेल आईडी है उसके साथ यहां पे आपको आईडी बना लेना है। तो ऑलरेडी मेरा मैंने जो है आईडी बनाया हुआ है, तो इसलिए साइन इन के लिए बोल रहा है। तो यहां पे जो भी मेरा ईमेल आईडी है या गूगल है उसके साथ इसको मुझे मैं लॉग इन कर लूंगा, राइट। तो जो भी मेरा ईमेल आईडी है उसके साथ मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ मेरे ईमेल आईडी पे, तो यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि उस ईमेल आईडी के साथ मेरा ऑलरेडी आईडी बना हुआ है, राइट। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे लॉगिन हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आ रहा है अपग्रेड नाउ, राइट। यानी इनका जो है फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। जैसे फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेड चीजें देते हैं ये लोग, फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेड चीजें देते हैं, राइट। जैसे कि आप तीन ही इंडिकेटर लगा सकते हैं, अनलिमिटेड इंडिकेटर नहीं लगा सकते हैं, आप तीन ही इंडिकेटर को यूज करते हैं एक बार में चार्ट में, राइट। उसके बाद कई सारे ऐसे फीचर्स है जो ये पेड वर्जन में देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे इनका प्लान दिया हुआ है, आप मंथली या एनुअली, जैसे यहाँ पे देखो प्रो वर्जन के लिए $14 के आसपास आपको देना पड़ेगा, राइट। तो $15 इंटू आप जो भी डॉलर का रेट चल रहा हो, 70
374 जो भी हो वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको निकल के आ जाएगा कितना रुपए लगेगा, राइट। तो यहाँ पे जो है प्रो प्लस के लिए 29 यानी $30 लग रहा है और प्रीमियम के लिए $60 लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हर एक के लिए आपको 30 डे का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इनका पेड वर्जन लेना है, जैसे आप हैवी ट्रेडर है, अगर आप बिगनर है तो आपको इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जो है एक्सपर्ट हैं, आपके फंड ज़्यादा है, 10-15 लाख रुपये के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप प्रीमियम वर्जन इनका ले सकते हैं, राइट। अभी बेनिफिट क्या है, अभी यहाँ पे इनको ट्रायल भी देख सकते हैं, यानी यहाँ पे वीडियो आपको प्ले हो जाएगा कि इसमें क्या देते हैं। तो यहाँ बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसे कि अगर आप ये लेते हैं, प्रो लेते हैं, तो प्रो में ये 5 इंडिकेटर देते हैं एक चार्ट के ऊपर, 2 चार्ट देते हैं एक विंडो में, यानी आप एक विंडो में 2 चार्ट लगा सकते हैं। सर्वर स्लाइड अलर्ट देते हैं, राइट, आप 20 सर्वर स्लाइड अलर्ट लगा सकते हैं। ऐड फ्री रहता है, ऐड नहीं चलता है। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर रहता है, राइट, जो कि कुछ अलग इंडिकेटर है वो आप लगा सकते हैं। कस्टम टाइम इंटरवल आप अपने हिसाब से टाइम को लगा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल इनहेंस वॉचलिस्ट बना सकते हैं आप, राइट, बार रिप्ले और इंट्राडे बार्स, राइट। तो इस तरह से ये फीचर्स आपको मिल जाता है इस वाले में अगर आप लेते हैं, प्रो लेते हैं, फिर प्रो प्लस लेते हैं जो कि $30 देना पड़ता है। तो इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें आप 10 इंडिकेटर लगा सकते हैं एक चार्ट के ऊपर, 4 चार्ट लगा सकते हैं एक लेआउट में, राइट। 100 सर्वर स्लाइड अलर्ट है, 2 डिवाइस एट द सेम टाइम, राइट। जैसे इसमें क्या है, आप एक बार में, फ्री वाले में क्या है कि अगर आप 2 PC पे एक ही ID से बनाया हुआ आप लॉगिन नहीं कर सकते। जैसे अगर आप मान लो आपने एक PC पे लॉगिन किया हुआ है तो दूसरे PC पे आपको अलग ID से बनाना पड़ेगा, सेम ID से लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो प्रो प्लस में आप दो PC पे आप लॉगिन कर सकते हैं, दो जगह लॉगिन कर सकते हैं। इंट्राडे का कुछ एग्जॉस्टिव चार्ज देते हैं, ये चार्ट बेस ऑन कस्टम फार्मूला, राइट, चार्ट डेटा एक्सपोर्ट, आप चार्ट का डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर लगा सकते हैं, कई सारे एडवांस फीचर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम में जो कि $60 लगता है आपको, यानी $60 यानी आपको कितना हो जाएगा, करीब करीब 4,200 रुपये महीना देना पड़ेगा इसमें, राइट। तो ये भी यहाँ पे क्या देते हैं, 25 इंडिकेटर पर चार्ट देते हैं, 8 चार्ट आप लगा सकते हैं एक लेआउट में, 400 सर्वर स्लाइड अलर्ट देते हैं, आप 5 डिवाइस पे यूज कर सकते हैं एक ही ID से बनाया हुआ। आप यहाँ पे सेकेंड बेस इंटरवल लगा सकते हैं, सेकेंड में भी चार्ट लगा सकते हैं, राइट। अलर्ट दैट डोंट एक्सपायर लगा सकते हैं, ऐसा अलर्ट लगा सकते हैं जो एक्सपायर नहीं होगा, राइट। 4x मोर डेटा ऑन चार्ट, राइट, चार्ट पे आपको जो है ज़्यादा और फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। पब्लिशिंग इन वाइट ओनली इंडिकेटर्स, राइट। तो ऐसे कई सारे फीचर्स से, एक्स्ट्रा फीचर्स से आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको लेना है तो आपको, अगर पास फंड ज़्यादा है, आप हैवी ट्रेडर है, या फिर आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, राइट। तो आप फ्री ट्रायल लेके देख सकते हैं और उसके बाद आप चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम यही एनुअली चार्ज लेते हैं तो करीब करीब $155 लग जाता है, आप 155 × 70 कर दीजिए, राइट। उसके बाद 299 यहाँ पे दिया है कि आपको साल भर में कितना डॉलर सेव हो जाएगा, राइट, फिर अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो। इस तरह से आप इनका जो है ये ले सकते हैं, प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं अगर आप हैवी ट्रेडर है, या फिर आप बिगनर है तो आप फ्री में पहले ट्रेड करिए। नहीं तो आपको अगर ये सब टेंशन नहीं चाहिए तो आप investing.com को यूज करिए, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ, उसका लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो जाके देख सकते हैं, वहां से जाके आप स्टडी कर सकते हैं, वहां पे सब कुछ फ्री है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे कुछ अलग फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि मैनुअली बनाया हुआ इंडिकेटर रहता है, ऐसे कई सारे फीचर्स दिए हुए, इसलिए इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। तो चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या हम देख सकते हैं। तो मैंने चार्ट पे क्लिक कर दिया, अब चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हमारा ये चार्ट आ जाता है, राइट। तो कुछ मैंने इंडिकेटर सेव कर रखा है, मैं इसको पहले यहाँ से निकाल देता हूँ, हम शुरू स्टार्टिंग से देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉचलिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ वॉचलिस्ट पे आकर यहाँ पे आप नए वॉचलिस्ट बना सकते हैं। तो फ्री में आप जो है, फ्री वर्जन में आप 3 ही वॉचलिस्ट ऐसा बना सकते हैं, आपको पेड वर्जन लेंगे तो कई सारे वॉचलिस्ट आप बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ जैसे एक रेड लिस्ट करके आ जाते हैं वॉचलिस्ट, और ये 2 वॉचलिस्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इन वॉचलिस्ट में आप जो है अलग अलग जो भी स्टॉक चाहे उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। अब स्टॉक कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, राइट, ऐड वॉचलिस्ट, ऐड स्टॉक का। तो यहाँ पे आप जो है क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्टॉक, मान लो HDFC, आपने क्लिक किया,
अभी HDFC जो है स्टॉक यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमें ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज जो है हमने यहाँ पे NSE सेलेक्ट किया था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑल एक्सचेंज दे देते हैं, राइट। तो आप जो है अगर चाहे तो NSE ले सकते हैं, अगर आप NSE BSE में ट्रेड चाहे तो ऑल एक्सचेंज कर देंगे तो सभी स्टॉक यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे HDFC सेलेक्ट किया तो HDFC यहाँ पे आ गया, हाउसिंग दीवान फाइनेंस या HDFC बैंक आ जाएगा, सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट। तो क्लिक करते हैं ये स्टॉक को, यहाँ पे देखिए प्लस पे आपको क्लिक करना है या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं आप, जस्ट प्लस पे क्लिक करिए और ये स्टॉक नीचे देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। इस स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट लग जाता है। तो हम चलो इसी तरीके से आप स्टॉक में यहाँ पे कोई भी वॉच स्टॉक जो है वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे जो है कई सारे ऑप्शन दिया है, राइट। जैसे एडवांस व्यू दिया है, मेक अ कॉपी, रीनेम, कुछ भी रीनेम करना है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। आप जैसे कोई वॉच लिस्ट है आप उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको क्या देखना है लास्ट, मतलब क्या देखना, लास्ट प्राइस देखना है या चेंज देखना है, चेंज परसेंटेज देखना है, वॉल्यूम देखना है, तो आप यहां से उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। यहां जैसे यहां दिखता है लास्ट प्राइस क्या है, चेंज के कितना हुआ है, चेंज परसेंटेज में कितना हुआ है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, वॉल्यूम लगाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर चौड़ा करने के लिए आप इसके थ्रू आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो इसमें चाहे तो आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैं वॉल्यूम लगा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो है एक वॉल्यूम करके आ जाएगा लास्ट में कि वॉल्यूम कितना स्टॉक का है। तो चलो हमको वॉल्यूम की जरूरत नहीं फिलहाल, तो हम इसको निकाल देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको लास्ट प्राइस चेंज कितना हो गया, कितने रुपये बढ़ गया गिर गया, यानी माइनस में है तो गिर गया है और प्लस में है तो जो है बढ़ गया है, राइट। यहाँ पे कितना परसेंटेज से चेंज हुआ ये दिखा देता है, ओके। और यहाँ पे स्टॉक का नाम आ जाता है। इसी तरह से कोई भी स्टॉक आप किसी भी, यहाँ पे दो वॉच लिस्ट दिया हुआ है, इन दोनों या तीनों में से किसी में आप ऐड कर सकते हैं, ओके। अभी मान लो आपने वॉच लिस्ट ऐड कर लिया, आपने कोई एक स्टॉक पे क्लिक किया, अभी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, इसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो आपको जस्ट यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए एक इस तरह से फ्लैग आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये कलर आ जाता है। तो आप पेड वर्जन में सिर्फ एक ही कलर यूज कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल कलर यूज करेंगे तो बोलेगा आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, तो फ्री वर्जन में एक ही कलर रेड यूज कर सकते हैं। तो इसको आप जस्ट क्लिक कर दिए, इस तरह रेड हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, अगले दिन जैसे आपने आज ही एनालिसिस कर दिया कि इस स्टॉक पे कल मुझे ट्रेडिंग करना है, राइट, तो यहाँ पे आप जस्ट इसको क्लिक कर दीजिए, ये रेड बन जाएगा, तो ताकि आपको आसानी हो जाएगा कल के लिए कि मुझे इसी स्टॉक पे काम करना है, राइट। तो इस तरह से आप ये बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, जैसे आपने मान लो यहाँ पे 500, सॉरी जो भी स्टॉक इसका लिमिट है 200 300, उतने स्टॉक आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको जस्ट सुबह सुबह क्या करना है, जैसे आप सुबह सुबह ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, तो जो टॉप गेनर टॉप लूजर है वो ऊपर टॉप में आ जाएंगे। जो भी टॉप लूजर है, जैसे चेंज पे क्लिक किया मैंने, तो जो भी टॉप लूजर से वो टॉप में आ जाएंगे, राइट। और जो भी टॉप गेनर से, अगर फिर से वापस से क्लिक करूंगा तो टॉप गेनर से यहाँ आ जाएंगे। जैसे अभी स्पार्क, सन फार्मा, ये टॉप गेनर थे इस पूरे वॉच लिस्ट के, राइट। निफ्टी 50 के टॉप गेनर नहीं, इस वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक ऐड है उनमें से जो टॉप गेनर है वो ऊपर आ जाएंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज बढ़ने वाले, राइट। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले और सबसे ज्यादा गिरने वाले। तो इस तरह से आप चेंज कर ले। मान लो सुबह सुबह आपको ट्रेड करना है, 9:30 बजे आपने क्लिक किया टॉप गेनर यानी सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक आगे ऊपर, उस पर क्लिक किया, आपने चार्ट देखा, चार्ट आपको काफी अच्छा लगा, तो आप उसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे कई सारे मेरे वीडियो है कि अगर सुबह का पहला कैंडल मारुबोजू बनता है, यानी अगर ओपन और लो सेम देता है तो आप उस पर बाई कर सकते हो। तो उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप जो है वॉचलिस्ट बना सकते हैं, स्टॉक ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे जो है चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, चार्ट के ऊपर आप चाहे तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मान लो कोई और स्टॉक चाहिए, यहाँ पे वॉचलिस्ट में ऐड नहीं करना है लेकिन आपको सर्च करना है, राइट। तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने HDFC डाल दिया, HDFC बैंक आ गया, जस्ट स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और वो स्टॉक यहाँ पे लग जाएगा, राइट। तो आप यहाँ से स्टॉक चेंज कर सकते हैं, उसका टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, राइट। यहाँ से आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं, 1 मिनट से लेके आप 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, राइट। तो आप यहाँ से जो है आप टाइम फ्रेम जो भी, अगर आप 15 मिनट चाहते हो, जैसे इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट ले सकते हो, और डिलीवरी में कर रहे हो तो आप जो भी, जैसा आपको जो भी नॉलेज हो उस हिसाब से आप यहाँ से टाइम फ्रेम लगा सकते हो। तो आगे की वीडियो में ये सब डिटेल देने वाला हूँ,
किस ट्रेड के लिए, किस टाइप के ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, इंट्राडे के लिए क्या यूज करना चाहिए, पोजिशनल के लिए क्या यूज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन सब के लिए क्या यूज करना चाहिए, धीरे धीरे करके वीडियो आता रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से आप जो है कैंडल ले सकते हैं, जैसे बार कैंडल, कैंडल 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 ले सकते हैं, हॉलो ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं, एरिया राइट, हैकेन एसी ले सकते हैं, रैनको ले सकते हैं, पॉइंट फिगर ले सकते हैं, जो भी आपको नॉलेज हो जिन चीज़ों का वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ कैंडल की बात करेंगे, तो हम कैंडल ले लेते हैं राइट। उसके बाद यहाँ पे आप जो है कंपेयर, कोई स्टॉक के साथ कंपेरिजन करना चाहते हैं तो वो स्टॉक यहाँ पे आप लगा सकते हैं राइट। जैसे अब मान लो अब मुझे ये मैंने HDFC बैंक लगाया, मुझे बैंक निफ्टी के साथ कंपेरिजन करना है कि ये स्टॉक जो है बैंक निफ्टी के साथ किस तरह से परफॉर्म किया। मैं बैंक निफ्टी पर क्लिक कर लिया राइट, तो ये बैंक निफ्टी का जो है एक लाइन चार्ट लग गया राइट, कि ये किस तरह से बैंक निफ्टी परफॉर्म किया है राइट। जैसे अब ये भी जो है स्टॉक है राइट, ये HDFC बैंक बैंकिंग स्टॉक है और ये उसी का इंडेक्स है। तो देखो जब ये स्टॉक ऊपर गया है तब बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, जब ये स्टॉक नीचे गिरा है तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिरा है राइट। तो सेम टाइप का परफॉर्मेंस दिया है, तो आपको ऐसा कंपेरिजन करना है कि इंडेक्स के साथ किस तरीके से ये ऊपर नीचे हुआ है, किसी स्टॉक के साथ कंपेयर करना है कि वो स्टॉक के साथ कैसे चलता है, तो आप यहाँ से कंपेरिजन भी कर सकते हैं राइट। तो अभी इसको निकालना है तो आप यहाँ से जस्ट यहाँ पे दिख जाता है, इसको आप क्रॉस कर देंगे तो ये यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको उस स्टॉक का कुछ फाइनेंशियल चेक करना है राइट, जैसे फंडामेंटल चेक करना है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फंडामेंटल यानी किसी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं राइट। ये इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई इंडिकेटर ऐड करना है, जैसे मूविंग एवरेज राइट, या फिर कई सारे इंडिकेटर ऐड करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो FX दिया हुआ है आपको इंडिकेटर लेना है, जैसे मान लो मुझे मूविंग एवरेज लगाना है तो ये मूविंग एवरेज पे यहाँ आ जाएगा। कई सारे मूविंग एवरेज आ जाते हैं, कोई कोई ये होता है इनबिल्ट होता है यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है, कोई लोग कोडिंग करते हैं तो अलग अलग होता है। तो आप मूविंग एवरेज इस तरह से इंडिकेटर लगा सकते हैं, इस पर क्लिक किया अब ये मूविंग एवरेज लग गया राइट। तो अगर आपको इंडिकेटर क्या होता है ये सब जानकारी नहीं है तो इंडिकेटर्स की भी वीडियो यानी कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो इस चैनल पर धीरे धीरे करके आने वाली है, तो आपको इन सभी का नॉलेज मिल जाएगा। तो अभी इंडिकेटर के ऊपर आपको टाइम फ्रेम लगाना है राइट, यानी आपको 10 दिन का इंडिकेटर लेना है, 20 दिन लेना है, 30 दिन लेना है, तो जस्ट आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं राइट। उसके बाद इसका थिकनेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको जैसा थिकनेस चाहिए वैसा कलर आप ले सकते हैं ओके। तो यहाँ से आप बस ओके कर दी, ये आपका 10 दिन का मूविंग एवरेज लग गया। इसी तरह से आप यहाँ से आके RSI लगा सकते हैं राइट। तो यहाँ पे कई सारे इनबिल्ट दिया होता है जो स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स होते हैं राइट, और कुछ सारे जो है बना कोडिंग किया होता है, जैसे कि CPR इंडिकेटर है राइट, CPR इंडिकेटर है, तो इस तरह से CPR कई सारे इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, कोडिंग किया हुआ है, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ से आप दिए हुए लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम आप फ्री वर्जन में 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं, नहीं तो और भी जो है पेड वर्जन लेते हैं तो वहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडलिस्टिक पैटर्न भी दिया हुआ, जैसे अगर आपको नॉलेज है टेक्निकल का तो यहाँ पे कैंडल पैटर्न दिया, जैसे कि यहाँ पे डोजी है, डार्क क्लाउड कवर है राइट, उसके बाद इंगल्फिंग है, इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, हरामी है राइट, ऐसे कई सारे पैटर्न यहाँ पे पियर्सिंग है, कई सारे पैटर्न दिए हुए। तो इन पैटर्न को भी डायरेक्टली, जैसे अगर आप मान लो मैंने इंगल्फिंग पे क्लिक कर दिया राइट, तो अब इस चार्ट पे जहां जहां इंगल्फिंग बना रहेगा वहां वहां पे ऐसे बी यहां बी करके आ जाएगा, यानी बीरिस इंगल्फिंग करके आ जाएगा कि स्टॉक यहां से गिरेगा। तो आप यहां से इस तरह से इंडिकेटर लगा सकते हैं या फिर कोई कैंडल पैटर्न भी लगा सकते हैं। तो जस्ट आपको इसको हटाना है, तो या तो इसके ऊपर देखिए, अगर आपको इसको रखना है लेकिन इसको दिखना नहीं चाहिए राइट, तो जैसे यहां पे देखो आई का सिंबल दिया, आंख का सिंबल दिया, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना तो वो जो है दिखेगा नहीं, फिर से क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा राइट। सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से यहां पे इसको रिमूव कर सकते हैं ओके। तो यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस करना है, इसको स्केल करना है, कुछ करना, हाइड करना, रिमूव करना, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर या चार्ट या फिर कैंडल पैटर्न आपको लगा सकते हैं राइट। तो उसके बाद जो है यहाँ फ्रेंड्स अलर्ट दिया हुआ है, जैसे कि आपको इस स्टॉक पे अलर्ट लगाना है कि ये HDFC जब इतने के ऊपर आए राइट, या इसकी कीमत इसकी प्राइस इतना आए राइट, इस डेट को आए, इस टाइम जो भी है डेट टाइम सब डाल देंगे तो आप यहाँ से एक अलर्ट लगा सकते हैं।
अगर मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक जस्ट एक पॉइंट को बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, तो आप उसके ऊपर जस्ट करेंगे तो आप खुद ही उसको लगा सकते हैं, राइट। अब जैसे मान लो आपने एक सेटअप बना लिया, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे ये सेटअप बना दिया कि मुझे यहाँ मैंने एक मूविंग एवरेज लगा दिया, एक RSI लगा दिया, राइट, जैसे यहाँ मैंने कह दिया एक मूविंग एवरेज लगा दिया और उसके बाद जो है एक RSI लगा दिया या फिर MACD लगा दिया, यहां देखिए मैंने दो इंडिकेटर लगा दिया, राइट, जैसे MACD लगा दिया, मूविंग एवरेज लगा दिया। अब मुझे इसको चाहिए कि ये जाए ना बाहर, मतलब जब भी चार्ट में ओपन करूं मैं यही रहे, तो यहां पे जस्ट जो है आपको सेव पे करना है, यहां पे आपको सेव कर लेना है, राइट, सेव कर लेंगे तो ये आप जब भी चार्ट ओपन करेंगे इसी तरह से आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका ये ओपन है, अब जैसे मैंने ये सेटअप लगा लिया, टाइम फ्रेम में लिया 15 मिनट का, अब मुझे इंट्राडे में काम करना है, राइट, तो जो भी इंडिकेटर चाहे मूविंग एवरेज, RSI, जो भी स्टैंडर्ड इंडिकेटर है आप उसको यूज कर सकते हैं, बोलिंजर बैंड, जो भी आपको लगता हो, जो भी आपको नॉलेज हो आप वो सब यूज कर सकते हैं। तब मैंने यहाँ पे एक सेटअप बना दिया, अब मैं क्या करूंगा, जस्ट स्टॉक के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा तो वो इंडिकेटर यहाँ पे मेरा लगा हुआ रहेगा और बाकी बस स्टॉक चेंज होता जाएगा, तो उसके बाद आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि चलो आपको जो भी इंडिकेटर सेटअप बनाया है वो सब दिख रहा है, उसके बाद बस आपको दिख गया सन टीवी है, ये स्टॉक ऊपर चल रहा है, राइट, मूवी MACD में क्रॉस ओवर दिया है, इसको बाई करना है। तो ऐसे कई सारे जो है टेक्निकल फंडे हैं कि जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, राइट, ट्रेड लाइन कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो अगली वीडियो आने वाली है, यानी ट्रेड लाइन कैसे बनाते हैं तो वीडियो आप जरूर देखना, राइट। तो इसके बाद जो है इस तरह से आप बस स्टॉक पे क्लिक करते जाइए, अगले दिन ये सेटअप तैयार रहेगा आपका, बस आइए अब यहाँ पे चेंज करके देख लीजिए कौन से टॉप लूजर कौन से गेनर है, शॉर्ट करना है बाई करना, वैसा आप व्यू बना के स्टॉक ऊपर क्लिक करते जाइए, आपको आसानी से यहाँ पे दिखता जाता है, राइट, तो काफी आसान कर देता है आपका काम। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लाइन दिया हुआ, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन, इन्फॉर्मेशन लाइन, राइट एंगल, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, कई सारे लाइंस आ जाते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लो ट्रेड लाइन लगाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ट्रेड लाइन लूंगा, राइट, अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये ट्रेड लाइन लगाना है इस तरह से, तो मैं इसको किसी भी तरीके से, यानी जैसे भी आप चाहे उसको यहाँ पे इसको लाइन को बना सकते हो, तो आप इस तरह से लाइन यहाँ पे कहीं खींच सकते हो। तो ट्रेड लाइन कैसे लगाते हैं ये अगली वीडियो में आएगा, तो आप वहां पे देखना, राइट, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, राइट, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन लाइन चाहिए, जैसे यहाँ पे ये लाइन लिया मैंने, यहाँ से लगाया, राइट, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता है, ये लाइन जो है कितना एंगल है, क्या कुछ है, यहाँ पे सब दिखाता है, राइट, तो यानी पूरे इसका इस लाइन का डिटेल्स देता है ये, यहाँ पे फीचर देता है, यहाँ पे एंगल वेंगल, इसका जो डिस्टेंस रहता है ये सब देता है, कितना डिस्टेंस है, कितने कैंडल्स उसके बीच में आते हैं, राइट, इसकी हाइट कितने पॉइंट की है, यानी ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ये बार्स बने हुए, कितने कैंडल्स बने हुए, राइट, कितने दिन का है ये सब आ जाता है, एंगल कितना, ये सब डिटेल्स आ जाता है, राइट। उसके बाद आपको इसको हटाना है तो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करिए और डिलीट का बटन दबाइए, ये यहाँ से निकल जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ से आप जो है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से आप ये लगा सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो, गैन फैन लगा सकते हो, राइट, ये कई सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए, इन फीचर्स का अगर आपको नॉलेज है तो आप लगा सकते हैं। अभी ये सब एक एक एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अगली अगली एक एक वीडियो में करके मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इन चीज़ों का भी नॉलेज हो सके, राइट। आपको ब्रश यूज करना है, जैसे कुछ ड्रॉ करना है, ब्रश लेना है, पेन लेना है, राइट, रेक्टेंगल लेना है, एलिप्स लेना है, तो इन चीज़ों को यहाँ से आप जैसे जैसे ब्रश लेना है, अब मुझे कुछ तो ऐसा बनाना है, राइट, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करना है, तो आप यहां से ब्रश से इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई रेक्टेंगल चाहिए, राइट, ये देखने के लिए, तो आप इस तरह से रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से यहां से आप जो भी चाहे एलिप्स जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। कुछ आपको यहां पे लिखना है, राइट, जैसे टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी नोट डालना है, राइट, तो कुछ भी यहां से आपको एरो एरो लेना है, तो आप यहां से जैसे मुझे मान लो एरो लेना है, तो यहां मुझे एरो लगाना है कि ये मुझे यहां से मेरा बाई रहेगा, जो भी एरो लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं आप यहां पे कि मुझे यहां लिखना है कि यहां मुझे बाई करना है, राइट, तो आप इस तरह से यहां पे आपने पॉइंट दे दिया कि यहां मुझे मेरा बाई है, तो इस तरह से जैसे जो लोग कोडिंग करते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं, जो लोग इंडिकेटर बनाते वो इन चीजों को यूज करते हैं। तो आप जो है ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में आप अपना भी यहां पे एनालिसिस बना के सेव कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, कई लोग देख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहां पे फ्रेंड्स यहां पे देखिए ये पैटर्न्स, कई सारे चार्ट पैटर्न दिए हुए हैं, एलर्ट वेव है, राइट, कई सारे चार्ट पैटर्न दिए हुए हैं, आप इनको भी यहां से यूज कर सकते हैं,
उसके बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, राइट, डे प्राइस रेंज, डेट डेट रेंज, ये सब देखना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी आपको लॉन्ग पोजीशन पे कोई लगाना है कि आपका स्टॉप लॉस ये कितना रहेगा, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेडियो क्या रेशियो क्या होना चाहिए, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अगले आगे की वीडियो में एक एक डिटेल्स आपको बताऊँगा। आप इमोजी यहाँ से ये सारे यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यूज करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक मैग्नेट दिया हुआ है, यानी आप इसको अगर जैसे यूज करते हैं, इसको यूज करेंगे और आप एक ट्रेड लाइन लेंगे तो सीधा लो को पकड़ता है, यानी आपको ऐसा लो ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा लो पे जाके टच हो जाता है, राइट। अगर आप ये अनलॉक कर देते हैं, जैसे ये पेन है, जैसे आपने यहाँ पर लाइन ले लिया, तो अभी यहाँ पे लेंगे, यहाँ से लगा देंगे, फिर से क्लिक करेंगे, मतलब कंटिन्यू, आपको दोबारा लाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू आपको लाइन आता रहेगा, तीन दोनों का ये काम है, राइट। तो ये इस तरह से इन फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स हो गए। आप जैसे कोई लाइन लेते हैं तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, इसका लाइन का वेट चेंज कर सकते हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। तो कि लाइन लेना है, डॉटेड लेना है, ये सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चार्ट की कुछ सेटिंग चेंज करना है तो आप यहाँ से जो है चार्ट की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाना है आपको, यहाँ पे सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है तो आप जो है चार्ट के कोई सेटिंग करना है, कलर बॉडी की कलर चेंज कर, जैसे ग्रीन रेड आ रहा है तो उसको कुछ चेंज करना है, जो है बॉर्डर चेंज करना है, वीक से जो शेडो आता है वो चेंज करना है, राइट। ये लास्ट प्राइस लाइन जो भी यहाँ चेंज करना है, आप यहाँ से ओपन हाई लो अपीयरेंस कैसा दिखना चाहिए वो सारी चीज़ें आप एक एक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको स्कैनर दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे देखिए स्टॉक स्कैनर दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं स्कैन करने के लिए। जैसे मैं इसको एरो पे क्लिक किया तो इस तरह से यहाँ स्कैनर आ गया। आप इस स्कैनर को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मेन जो है मुझे जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये यूज करना है तो फिल्टर पे जाइए, स्कैनर यूज करना है। स्कैनर मतलब जैसे आपको चाहिए ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका RSI 60 के ऊपर चल रहा हो, राइट। तो मैं यहाँ पे RSI सर्च करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे RSI सर्च करूँगा तो आप जो है RSI पे ये जाएगा, यानी जो भी RSI इंडिकेटर होगा, जैसे आपको चाहिए कि ऐसे स्टॉक मुझे चाहिए जिनकी RSI की वैल्यू 50 के ऊपर या 60 के ऊपर चल रहा है इस तरह से, या फिर फंडामेंटली कुछ चेक करना है, कुछ भी MACD इतने से ऊपर चल रहा है या मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है प्राइस, राइट। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे देखिए जैसे RSI दिया हुआ है, राइट, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। तो अब जैसे आपको डालना है यहाँ पे कि RSI मुझे एबो चाहिए, यानी आपको बाई करना है कोई स्टॉक, ऐसे स्टॉक चाहिए जो RSI 60 के ऊपर चल रहा हो, तो बस आपको यहाँ पे RSI 60 डाल देना है, अब ये आपको आ जाएगा। आपको कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं या फिर फंडामेंटली टेक्निकली जो भी आप चाहे वैसा आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ऐसे स्टॉक ही आ जाएंगे जिनकी RSI 60 के ऊपर चल रही होगी, राइट, यानी वो स्टॉक आप बाई कर सकते। जैसे अभी यहाँ पे ये दिया है ACC स्टॉक, राइट। अब इससे ACC स्टॉक पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसा स्टॉक रहेगा जिसका RSI ऊपर चल रहा होगा 60 के ऊपर, यानी डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा कौन सा स्टॉक बाई में चल रहा है। यानी अलग अलग टाइप का आप जो है यहाँ पे स्कैन लगा सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से वो चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं, 1 डे चाहिए, आवर्स में चाहिए, 2 आवर, 5 आवर, किस टाइप का स्कैन चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये स्कैन को यूज करके आप स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा उस स्टॉक को आप चाहे तो यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या उसका चार्ट लगा के देख सकते हैं, राइट। जैसे जैसे स्टॉक पर क्लिक करेंगे उसका चार्ट यहाँ पे सामने आपके लग जाएगा। तो इस तरह से स्टॉक को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया अलर्ट लगाने के लिए, नहीं डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिया किसी स्टॉक का अलर्ट लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसका यहाँ पे न्यूज कुछ है मार्केट में तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा विंडो है, राइट, जैसे कि कुछ 21 नंबर्स कुछ भी ऐसे, ये स्टॉक जो आपने सर्च किया है, अब उटा सर्च किया, राइट, तो इसके डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं, हाई लो ये सारी चीज़ आ जाते हैं, जो भी डेटा आपने लगाया हुआ है चार्ट पे उसका डिटेल्स आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो BSE के जो वॉल्यूम गेनर है, प्राइस चेंज गेनर है, वो सारे स्टॉक जैसे आ जाते हैं, जैसे 20% बढ़ा है जो स्टॉक, ये ऊपर आ जाते हैं, इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर कुछ न्यूज आने वाला है, कुछ आया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। कुछ आइडियाज यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अपने आइडिया लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आपको पब्लिक चैट कर सकते हैं, पब्लिकली चैट रहता है पब्लिक का, वो आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इन फीचर्स को यूज करके आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो चलो हम एक आध स्टॉक को सर्च कर लेते हैं और एक आध स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं। अब जैसे ये दीपक नाइट्राइट है, राइट, अब इसको मैं क्या करता हूँ 1 डे में ले लेता हूँ।
सबसे पहले तो ये वन डे में हमारा चार्ट हो गया राइट। अब यहाँ पर आपको कैंडल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब अगर आपको कैंडल के बारे में नॉलेज नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस की नीचे से वीडियो देखिए, आप टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे चार पांच वीडियो दिया हुआ है, कैंडल्स क्या होते हैं किस तरह से बनते हैं ये सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। ट्रेड लाइन के बारे में वीडियो है, कई सारे और भी वीडियो है तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं राइट। तो यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पे ये कैंडल बन गया, अभी वन डे में है, आप चाहते इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं 15 मिनट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो जैसा चाहे आप चार्ट में इसको यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर लगा सकते हैं राइट। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू आप एनालिसिस करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर investing.com यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी अनक्लियर है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो उसका मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर कोशिश करूंगा अब वीडियो बनाने के लिए। तो अगली वीडियो जो है ट्रेड लाइन किस तरह से बनाते हैं लाइव मार्केट में, वो वीडियो आने वाला है, तो वो वीडियो देखना ना भूले। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने सर्कल में, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके इन वीडियोज का, मैक्सिमम लोगों को नॉलेज मिल सके। और हमारे कई सारे टेलीग्राम्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।